फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्या कैरियर एकेडमी। आज हम लोग CHSL 14th मार्च शिफ्ट 1, 2, 3 का क्वेश्चन देखेंगे। हमने 13th मार्च और उसके प्रीवियस वीडियो डाल चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो कृपया करके जाकर देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रिलेटेड और रिपीट हो रहे हैं, उससे आपको मदद मिलेगा एग्ज़ाम में। और अगर आप अभी तक मेरा चैनल शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कीजिए और आइकन बटन को दबाइए, ताकि जो कोई भी नया वीडियो हम लोग डालें तो आपको अपडेट मिलता रहे। चलिए हम लोग देखते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, आज के शिफ्ट में क्वेश्चन आया है 14 तारीख को कि व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ स्पोकन इन भूटान। तो देखिए, ये भूटान से चौथा क्वेश्चन है इस CHSL 2018 में, ठीक है। तो देखिए क्या है, व्हाट इज़ द लैंग्वेज स्पोकन इन भूटान, तो ये है डोजोंखा, ठीक है। कल पूछा था कि कौन सा कंट्री ऐसा है जिसमें ड्रैगन होता है, ड्रैगन पूछ लिया, लैंग्वेज पूछ लिया, ठीक है। इसका इंडिया के साथ कितना बाउंड्री बनता है ये भी पूछ लिया। तो अब क्या पूछ सकता है कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अब, ठीक है। ट्रिसरिंग टोबगे, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ का कैपिटल क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टिम्फू, ठीक है। रिलीजन क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बुद्धिज्म, ठीक है। तो इसको आप इस पर थोड़ा सा अच्छा से रिसर्च कर लीजिए, इसके साथ कौन कौन देश बाउंड्री लगाते हैं, कितना किलोमीटर लगाते हैं, ये भी पूछ लिया गया है, तो इस पर देख लीजिए। इससे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि कौन सा कंट्री है जिसको एयरफोर्स नहीं है, तो वह भूटान ही कंट्री ऐसा है जिसके पास अपना एयरफोर्स नहीं है। तो हो सकता है चार ऑप्शन में दे दे, चार कंट्री जिसमें भूटान भी हो और तीन के पास एयरफोर्स हो, तो भूटान आपको मारना पड़ेगा, ठीक है। तो भूटान एक ऐसा कंट्री जिसके पास अपना एयरफोर्स नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इफ मास बराबर 20 kg एंड वेलोसिटी बराबर 4 m/s। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½mv², मास वेलोसिटी भी को डिनोट करता है। तो देखिए, काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया हाफ, एम बराबर 20 दिया हुआ है, वेलोसिटी बराबर 4, तो 4² = 16, तो ये हो गया 10, तो ये हो गया 160, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, 160। तो देखिए, ये तो आज के शिफ्ट में पूछ लिया, हो सकता है पोटेंशियल एनर्जी पर भी क्वेश्चन पूछा जाके सके। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, मास इंटू एक्सलरेशन इंटू चेंज इन द हाइट। तो इसका फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये पोटेंशियल एनर्जी जो होता है जूल्स में होता है, ठीक है। वेयर वॉज द वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट 2017 हेल्ड। तो ये जो हुआ है, ये हुआ है टिबलिस गॉर्जिया में, ठीक है। वर्ल्ड चेस 2017 में 128 सिंगल प्लेयर हुए एलिमिनेट किए गए थे। उसके बाद ये जो हैं, ये अभी वर्ल्ड चैम्पियन है, इनका नाम है मैग्नस चार्ल्स, यही जो है विश्वनाथानंद को 2013 में हराए थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये भी पूछ सकता है कि कौन से डेट पर ये वर्ल्ड चेस टूर्नामेंट हुआ है, तो ये सितंबर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, वन क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट पता नहीं चला कि इसमें क्या पूछा गया है, मगर ये पता चल गया है कि मूर्ति देवी अवार्ड से कोई क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, मूर्ति देवी अवार्ड होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो अवार्ड है, ये लिटरेचर के कंट्रीब्यूशन के लिए दिया जाता है, ठीक है। द मूर्ति देवी अवार्ड इज एन इंडियन लिटररी एंड अवार्ड एनुअली प्रेजेंटेड बाय द भारतीय जनिपर, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर किस चीज़ के लिए दिया जाता है, तो लिटरेचर के लिए दिया जाता है, लिटरेचर अवार्ड इन इंडिया, ये लिटरेचर के लिए है, ठीक है। स्पॉन्सर्ड भारतीय जनपद, इसमें 4 लाख का दिया जाता है। ये फर्स्ट अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट अवार्ड 1983 में दिया गया था, ठीक है, और लास्ट दिया गया 2017 में। मोस्ट रिसेंट विनर जय गोस्वामी, ये हैं जय गोस्वामी ये हैं। और फर्स्ट विनर जो थे, जो जिन्हें मिला था, C.K. नागराजा राव, ये थे, ठीक है। टोटल अवार्ड अभी तक 30 दिया जा चुका है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो, क्योंकि यदि इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है लिटरेचर से, चाहे जो भी पूछा जाएगा, आप इसका आंसर अब दे सकते हो। देखिए, एक क्वेश्चन आया है, झरोखा दर्शन इज रिलेटेड टू विच मुगल, तो ये होगा अकबर। तो देखिए, इसमें झरोखा दर्शन में होता क्या था कि जो राजा रहते थे वो विंडो पर, जैसे कि एक गलियारा होता था, वहाँ बैठ जाते थे, जैसे यहाँ बैठ गए, और ये जितने भी पब्लिक आते थे, उनका जो उनको प्रॉब्लम होता था, कैसे उनको एड्रेस करना है,
वो करते थे, जैसे अभी हम लोग का सीएम लोग करते हैं एड्रेस, उसी तरह ये भी पब्लिक को एड्रेस करते थे, उनका क्या प्रॉब्लम है ये सब सुना जाता था, ठीक है। तो उसी को कहते हैं झरोखा दर्शन, ठीक है। ये मुगल में किसके दरबार में था, अकबर के, ठीक है। मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम, तो सबसे पहले ड्यूटेरियम जानिए क्या है। देखिए आइसोटोप्स होता है, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। ये भी सीजीएल में आ चुका है कि इनमें से कौन हाइड्रोजन का आइसोटोप्स नहीं है। ये सीएचएसएल में अभी तक नहीं आया, तो ये आ सकता है। यहाँ पर पूछा गया है मास नंबर, तो देखिए ड्यूटेरियम का क्या है, H1 2, तो ये जो अपर है ना, ये इसी को कहते हैं मास नंबर। तो आज अगर ये पूछ दिया मास नंबर ड्यूटेरियम का, तो हो सकता है कि नेक्स्ट में पूछा जाए ट्रिटियम का मास नंबर क्या है या प्रोटियम का मास नंबर क्या है, तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन आया है प्रॉपर्टी ऑफ अल्किन, कल के पेपर में आया था प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, आज के पेपर में आया है अल्किन। तो देखिए अल्किन का जो सबसे 3 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो हम लिख दिए हैं। अब ये ऑप्शन तो मुझे नहीं पता था कि क्या है, अब उसके अनुसार आप देख लेना। एट रूम टेम्परेचर अल्किन्स एग्जिस्ट इन ऑल 3 फेजेस। देखिए रूम टेम्परेचर पर अल्किन जो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज पर होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्किन आर सिमिलर टू डैट ऑफ द अल्किन्स, एल्केन्स, ठीक है। एल्केन के, एल्केन जो, एल्कीन का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन के बराबर सिमिलर होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। आइसोमर्स ऑफ अल्किन्स हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन डैट ऑफ द ट्रांस्यूमर्स, ये सेम है ट्रांस्यूमर्स, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला वाला है जो हम रेड में लिखे हैं कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फेज में एक ही रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट करता है तीनों फेज में, तो ठीक है आप देख लीजिए। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है गिरीश चंद्र बोस इज एसोसिएटेड विथ, तो देखिए गिरीश चंद्र बोस किस चीज़ से एसोसिएटेड थे। तो देखिए गिरीश चंद्र बोस म्यूजिक से थे, पोएट से थे, प्ले राइटर थे, नॉवलिस्ट थे, थिएटर डायरेक्टर थे, ये बंगाली थिएटर के लिए थे। तो ये ऑप्शन के अनुसार क्या दिया गया है उससे आप इसमें कर टिक मार सकते हो, ठीक है। और गिरीश चंद्रा का जो जन्म हुआ था वो 28 फरवरी 1844 को हुआ था और वो मरे थे 8 फरवरी 1912 को, ठीक है। और एक बात और आप याद रखिए, ही वॉज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर द गोल्डन, बंगाली थिएटर के गोल्डन एज के लिए इनको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ था। ही कैन बी रिफर्ड एज द फादर ऑफ बंगाली थिएटर, तो आप ये कह सकते हो कि गिरीश चंद्र बोस जो हैं बंगाली थिएटर के फादर माने जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आगे आ सकता है, तो एक बार इसको देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ एशियन, ASEAN, इसका फुल फॉर्म देखिए नॉट ए पार्ट ऑफ एशियन, तो एशियन का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। तो देखिए एशियन का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, मगर आज का क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एशियन। अब ये सारा कंट्री जो है, जैसे इंडोनेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, लॉस हो गया, बुरनेई हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, ये सारे कंट्री में से 4 ऑप्शन दिया होगा जिसमें 3 इसके मेंबर होंगे और 1 नहीं होगा। तो ठीक, आपको सारे कंट्री का नाम याद करना पड़ेगा, उससे क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि इसमें से कौन मेंबर है या नहीं है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि इसका फुल फॉर्म क्या है, या फिर हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में, ठीक है। ये कब फॉर्म हुआ था ये भी पूछा जा सकता है, तो 8 अगस्त 1967, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही रिपीट करता है सीएचएसएल, ठीक है। इसका गवर्नर जनरल जो है वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, देखिए इसका फाउंडर ये लोग हैं, ठीक है। तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। और अब करेंट से इसको कैसे लिंक किया जा सकता है कि 2017 का जो 50वां समिट हुआ है ये कहाँ पर हुआ है, तो देखिए फिलीपींस में हुआ है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा सकता है कि एशियन का 50वां समिट जो है वो कहाँ पर हुआ है, तो फिलीपींस में हुआ है, देखिए, ठीक है।
फिफ्टींथ एनिवर्सरी ऑफ ग्रुप फाउंडेशन इज इन 8 अगस्त 2017 को हुआ था, ठीक है। और फिलीपींस के प्रेसिडेंट कौन है ये भी देख लीजिए, रोड्रिगो ड्यूटेर्टी, ठीक है। तो ये आपको हो गया, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एशियन से सारा कुछ हम लोग समझ लिए। अब देखिए एक जैसे कि इसी से रिलेटेड हम एक फ़ोटो खोजे हैं जिसमें कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका जितना भी जैसे एशियन हो गया, सार्क हो गया, जितने भी ग्रुप का है उससे पता चल जाएगा कि कौन कौन कंट्री किस में है। तो देखिए आज हम लोग का जो पूछा है वो एशियन पूछा है, तो एशियन में ये सारे कंट्री एशियन के हैं, ठीक है। उसी तरह सार्क के, तो सार्क के देखिए ये सारे कंट्री सार्क के हैं, ठीक है, जिसमें इंडिया भी है। तो देखिए इंडिया जो है एमजीसी में और सार्क में, बिस्मटेक में, ये सब में है। तो आपको इससे पता चल जाएगा कि कौन कंट्री सब में कॉमन है, सब कौन कंट्री सब में कॉमन नहीं है, इसीलिए इसको हम दिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा जान जाइए, एशियन का, एमजीसी का, एससीओ का, ईसीओ का, टीसी का, ये सब इम्पोर्टेंट ग्रुप है जिसमें भारत पार्टिसिपेट करता है, कि और या एशियन कंट्री पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए पूछा जाता है, ठीक है। देखिए जबकि एशियन का मेंबर नहीं है अभी भारत, तब पर भी इस क्वेश्चन को लाया गया, पूछा गया आज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा आया है। पाकिस्तान इज इन विच डायरेक्शन ऑफ इंडिया। देखिए ये ऑप्शन के अनुसार हो सकता है, ऑप्शन नहीं मिला, मगर इस तरह हम लोग जनरली मानते हैं नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। देख लीजिए नॉर्थ वेस्ट में है, यहाँ पर पाकिस्तान है, तो ये देखिए ये नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है, ये ऑप्शन के अनुसार मारा जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 370 किससे रिलेटेड है, ये भी क्वेश्चन आज आया है कि 370 आर्टिकल से, तो ये जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, ये किस पार्ट में है, पार्ट 21। और एक चीज़ और आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर ही एक ऐसा स्टेट है जिसका अपना संविधान है, ठीक है। भारत में और किसी स्टेट के पास ये राइट्स नहीं है, मगर जम्मू कश्मीर के पास एक अपना संविधान है, उस वो भारत के संविधान के अधीन है, मगर उस स्टेट का भी अपना एक संविधान है, ठीक है। 370 आर्टिकल जो है वो जम्मू कश्मीर को दिखाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, और पार्ट 21 में, ठीक है। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन है, तो कर्नाटका है। तो ये देखिए ये तो आपको पता चल गया, तो कर्नाटका कितना परसेंट करता है, ये लगभग 71% प्रोड्यूस करता है। सेकेंड पर कौन है, केरला है, ये कितना करता है, ये 2% करता है, 21% करता है। तमिलनाडु है थर्ड पर। तो आप देख लो, देखो आज पूछ दिया लार्जेस्ट, तो हो सकता है कल पूछ दे सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ कॉफ़ी, तो केरला हो सकता है, ठीक है। विथ विच कंट्री इन 2017 इंडिया साइन फॉर द हेल्थ मिशन, ये करेंट का क्वेश्चन है, उस कंट्री का नाम है मोरक्को। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, तो देखिए इंटेस्टाइन होता कहाँ है, पेट में होता है, ठीक है, पेट में होता है। इंटेस्टाइन देखिए तीन तरह का होता है, दो तरह का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन को हम लोग आंत बोलते हैं शायद, आंत, ठीक है, बड़ी आंत छोटी आंत। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में तीन होता है, ड्यूडिनम, झेलियम, इलियम, ठीक है। ये सब भी इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि ड्यूडिनम झेलियम कहाँ पर है, तो इंटेस्टाइन में कौन से में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन इसके अंदर रेक्टम पाया जाता है, ठीक है। तो आप देख लेना एक बार इंटेस्टाइन को, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वर्ल्ड फेमस प्लेयर फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन, देखिए इसका ऑप्शन पता नहीं है, तो इसका कौन सा किस प्लेयर को पूछा जा रहा है, मगर ये पूछा गया है कि वर्ल्ड वाइड फेमस प्लेयर फ्रॉम द गिवेन ऑप्शन, कोई चार ऑप्शन दिया होगा उसमें से सबसे फेमस कौन है ये बताना होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। पन्ना लाल घोष इज रिलेटेड टू विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो देखिए ये पन्ना लाल जो है ये बांसुरी से रिलेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पीछे भी पूछा जा चुका है एसएससी में, वो लगता है 2014 या 2013 में ये क्वेश्चन आया था पन्ना लाल घोष के बारे में, और इसे फिर रिपीट किया गया है, ठीक है। विच मैरिज इज इलीगल इन मैथोलॉजिकल पीरियड, देखिए मैथोलॉजिकल पीरियड में कौन सा मैरिज इलीगल है, इसका ऑप्शन पता होगा तभी पता चल सकता है, क्योंकि बिना ऑप्शन का इसको नहीं सॉल्व किया जा सकता है। तो एक बार आप लोग
मैरिज से रिलेटेड जो है जो मैथोलॉजिकल पीरियड में उसको देख लीजिएगा। विच कंट्री हैज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट, तो देखिए पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई एशिया का कंट्री जो है वो नंबर वन पर पासपोर्ट में मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट बनाया, वो है किसका, स्विट्जरलैंड का। तो देखिए दिस इज़ द फर्स्ट टाइम एन एशिया कंट्री हैज़ हैड द मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट इन द वर्ल्ड, ठीक है, विद द मोस्ट सुपरलेटिव स्पोर्ट हिस्टोरिकल गोइंग टू द यूरोपियन कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द एरेटॉन, ठीक है। सिंगापुर रिसेंटली सप्रेस्ड द जर्मनी इन द रैंकिंग आफ्टर द पारागे रिमूव फ्रॉम द वीज़ा रिक्वायरमेंट फॉर द सिंगापुरियन पासपोर्ट होल्डर, ठीक है। तो आप इस चीज़ का इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि ये 2018 में जो सिंगापुर है, सिंगापुर जो पासपोर्ट होल्डर हैं वो महत्वपूर्ण हो गया है। और आप इसको याद रखिएगा क्योंकि स्विट्जरलैंड जो है वो सबसे नंबर एक पर है अभी फिलहाल, ठीक है। सेकेंड पर कनाडा है, थर्ड पर जर्मनी है। वन क्वेश्चन फ्रॉम द 73rd अमेंडमेंट 1992, देखिए ये कल भी क्वेश्चन आया था और आज भी क्वेश्चन आया है। तो आज का जो पंचायती राज का है वो इम्पोर्टेंट होता है। देखिए पंचायती राज का 140 आर्टिकल है वो भी है, और आर्टिकल 243 टू 243-0 भी है, ठीक है। तो देखिए 73 अमेंडमेंट जो है वो पार्ट 9 में है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। ये पंचायत के लिए होता है, ये सही है। ये 11th शेड्यूल में है, कौन से शेड्यूल में है, तो 11th शेड्यूल में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचायती राज कौन से शेड्यूल में, इसमें कितना सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है एसएससी में। अब देखिए एक चीज़ और, इस कमेटी से क्वेश्चन आता है, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 एसएससी में आ चुका है पहले भी। बीटी कृष्णा कृष्णमाचार्य 1960 ये भी एसएससी में आ चुका है। तखतमाल जैन स्टडी ग्रुप ये नहीं आया एसएससी में, मगर एक बार आप देख लीजिएगा। अशोक मेहता कमेटी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 5 बार एसएससी में लगभग पूछ चुका होगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जी वी के राव कमेटी ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। डॉक्टर एल एम सिग्वई कमेटी ये भी एसएससी में पूछा जा चुका है, और टीगी टोंगन कमेटी ये नहीं पूछा गया है। तो इसमें से 1, 2, 3, 4 ये जो चार है ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये चारों कमेटी का देख लीजिएगा। तो देखिए बलवंत राय कमेटी और अशोक मेहता कमेटी में क्या अंतर है, तो बलवंत राय कमेटी 3 टायर सिस्टम है, ठीक है, और अशोक मेहता कमेटी ये 4 टायर सिस्टम है। तो 4 टायर सिस्टम मतलब क्या, ग्राम पंचायत होता है, ठीक है, जैसे कि विलेज लेवल पर हो गया एक, एक ब्लॉक लेवल पर हो गया, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया, ये बलवंत राय कमेटी के अनुसार। और एक क्वेश्चन यहाँ से और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इंडिया में कौन सा ऐसा स्टेट है जो ये बलवंत मतलब कि 3 टायर कमेटी पर नहीं चलता, वो है वेस्ट बंगाल, वहाँ पर 4 टायर कमेटी होता है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। वन क्वेश्चन फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये पता नहीं चला कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो इसके सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप देख लीजिएगा कहाँ पर स्थित है, तो ये तो आपको पता ही होगा, ऑफकोर्स न्यू दिल्ली में, ठीक है। इस्टेब्लिश कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 में। मोटो क्या होता है, धर्मस्य जय, ठीक है, यह तो धर्मस्य जय जय, ये मोटो है, ठीक है। वेयर इज द ट्रूथ द विक्ट्री इज जस्टिस, इसका मतलब हो गया चीफ जस्टिस कौन है, दीपक मिश्रा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी चीफ जस्टिस कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट से क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जाए, हो सकता है आगे भी पूछे। फ्रांस चेस टूर्नामेंट, देखिए फ्रांस चेस टूर्नामेंट मेन जो था 2016 में मैटियू कॉर्निटी जो थे ये विनर थे, 2017 में ये इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है, एटनी बैकरोट ये जो है ये मैन में जीते थे, ठीक है, और वुमेन के केस में सोफी मिलेट, ठीक है। और सबसे एक दो दो क्वेश्चन तो ये आ गया कि फ्रेंच चेस टूर्नामेंट में मैन कौन विजय हुआ या वुमेन कौन, इसमें से कोई एक ही पूछा होगा आज। इट इज ऑफिशियल फर्स्ट प्लेड इन 1923 में, सबसे पहली बार ऑफिशियल खेला गया था, तो ठीक है इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन हो गया। वेयर इज पिपली घाट लोकेटेड, तो पिपली घाट कहाँ पर है, राजस्थान में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज वटाकंड म्यूजिक स्कूल लोकेटेड, ठीक है,
भक्तखंड, भक्तंडी म्यूजिक स्कूल लोकेटेड। ठीक है, ये थोड़ा सा आजकल क्वेश्चन जो दे रहा है CHSL में, तो कुछ कुछ क्वेश्चन जो है जो छोड़ने के लिए ही होता है, तो ये टफ क्वेश्चन माना जाएगा इसको। ये लखनऊ में है, ठीक है, और ये सब पहली बार 1926 में इस्टेब्लिश हुआ था विष्णु नारायण वैतखंडे के द्वारा। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि अब CHSL में ये पहली बार आया, तो हो सकता है आगे भी रिपीट हो। ये नया क्वेश्चन है, इन विच ईयर भूटान बिकम्स डेमोक्रेटिक। देखिए फिर भूटान से एक क्वेश्चन है, भूटान पर रेगुलर 4-5 क्वेश्चन आ चुका है। तो 18 जुलाई 2008 को भूटान जो है वो डेमोक्रेटिक हो गया था। ठीक है, वन क्वेश्चन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर महिला सुरक्षा स्कीम। अब इससे क्या पूछा गया ये तो पता नहीं है, मगर आप प्रधानमंत्री महिला सुरक्षा स्कीम जो है इसको पढ़ लीजिएगा, इसमें क्या क्या होता है। जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गया है, उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आ रहा है। पिछले में भी प्रधानमंत्री का क्वेश्चन आया था एक योजना से, इस योजना में भी, या इसमें भी आया एक योजना से, तो आप योजना एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, वन क्वेश्चन रीट से, संविधान में जो रीट है, तो देखिए इसमें 5 तरह का है, हेबस कॉर्पस, मैंडस, क्राइटेरिया, प्रोविजन और क्यूओ वारंटो। ये पांचों के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए क्योंकि उस कोई भी पूछा गया होगा, हो सकता है नेक्स्ट बार आप में से यदि ये पूछा हो गया तो ये पूछ दे, ये पूछ दे, कोई भी पूछा जा सकता है। इसलिए ये पांचों का आप एक बार दे, मतलब कि अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हु इनोग्रेटेड ग्रहक शोधक कोयल वेट्रेन ऐप। ग्राहक शोधक कोयला वेट्रेन ऐप ऑफ कोल इंडिया। ठीक है, ये पीयूष गोयल द्वारा किया, इनोग्रेट किया गया है, ग्राहक शोधक कोयला वेट्रेन ऐप। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है आज का। देखिए किंग इलेवन पंजाब से आया, रिटेन विच प्लेयर, तो एक्जर पटेल, अक्षर पटेल, अक्षर पटेल को किंग इलेवन रिटेन किया है। तो आप ये देख लो कि और सिर्फ और सब जो टीम है उसमें किसको किसको रिटेन किया गया है। देखिए एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, मास नंबर दिया हुआ है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है। तो इससे पता नहीं, ये तो नहीं पता चला कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या दिया हुआ था। तो जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए एटॉमिक नंबर 10 दिया हुआ है, चाहे मान लीजिए कि एटॉमिक नंबर आपको अल्मोनियम का, मान लीजिए अल्मोनियम का निकालते हैं 13 और 27। ठीक है, तो देखिए ये जो हो गया ना 13, ये एटॉमिक नंबर हो गया, और जो 27 हो गया ये हो गया मास नंबर। तो आपको देखिए इसमें जो प्रोटॉन होगा वो 13 होगा, ये होगा, और प्रोटॉन बराबर क्या होता है इलेक्ट्रॉन, और न्यूट्रॉन निकालने के लिए 27 में से 13 घटा देंगे, ठीक है 14। तो ये आप एक बार इसको देख लीजिएगा, हम एक बता दिए आपको और बाकी सब आप देख लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन आया है, ब्लू हिल, ब्लैक हिल, ग्रीन हिल माउंटेन कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये यूएसए में लोकेटेड है। एटॉमिक वेट इज द सम ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सम होता है। सोनार रेज स्पीड इतना दे दिया है, टाइम दिया हुआ है, तो डिस्टेंस फाइंड करना है। तो देखिए सोनार रेज का फॉर्मूला ये होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम हम लोग जानते हैं, तो डिस्टेंस में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, 2 × 1000 / 2, तो 1000 आंसर हो गया। ठीक है, इथेनॉल रिएक्ट विद द सोडियम टू लिबरेट विच गैस, तो हाइड्रोजन गैस। ठीक है, फॉर विच टीम जाहिर खान प्लेड फॉर, तो देखिए जाहिर खान डीडी से, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से और मुंबई इंडिया से खेला है, तो आईपीएल से क्वेश्चन आ रहा है, तो आईपीएल एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। वन क्वेश्चन रिलेटेड टू द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा डेल्टा, तो ये सुंदरबन डेल्टा होता है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया था ये तो पता नहीं है, सुंदरबन डेल्टा के बारे में आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इन विच सिटी डज द डिजास्टर मैनेजमेंट एंड द रिस्क रिडक्शन मीटिंग हेल्ड, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है न्यू दिल्ली। देखिए वन क्वेश्चन आया है एनपीएस से, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसमें पैसा बैंक का डूबने लगता है। ठीक है, एक क्वेश्चन इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया से आया है, वन क्वेश्चन फ्रॉम द सैलरी ऑफ जजेस, हो सकता है जज का कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का आर्टिकल पूछ दिया हो, या फिर सैलरी पूछा हो कि कौन से आर्टिकल में हो। ठीक है, 1 जूल इज इक्वल टू
इतना कैलोरी, और इसका डिफिनेशन क्या होता है, इट इज़ इक्वल टू द एनर्जी ट्रांसफर टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन एन फोर्स ऑफ 1 न्यूटन एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट इन ए डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर बराबर, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर। ठीक है, चलिए, थैंक यू, और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।